बीएड या डीएलएड के लास्ट सेमेस्टर में स्किल इन टीचिंग का एग्जाम होता है जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनर द्वारा लिया जाता है और उसमें स्टूडेंट टीचर ने रियल क्लास के स्टूडेंट्स को रियल सेटिंग में टीच करना होता है। तो ये वर्क असल में बीएड के या डीएलएड के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। इसमें अच्छे मार्क्स तभी आते हैं अगर आपकी टीचिंग रियल में इफेक्टिव है, और रियल टीचिंग, रियल इफेक्टिवनेस तभी हो सकती है अगर आपने पहला स्टेप ठीक उठाया है। पहला स्टेप क्या है कि आपने सही सूटेबल अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया है। एक अच्छा टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, मैंने उसके 11 पॉइंट्स एनलिस्ट किए हैं। इस वीडियो में मैं आपसे वो 11 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा और इसके साथ वो डिस्कस करूंगा कि क्या क्या बातें जो आपको नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग लेसन प्लानिंग और क्या क्या करनी चाहिए। स्टेप 1 है टू नो अबाउट द स्टूडेंट्स। आपने जिन बच्चों को टीच करना है उनके बेसिक कैरेक्टर स्टिक्स आपको पता होने चाहिए। उसके लिए मैंने 4 पॉइंट लिस्ट किए हैं। फर्स्ट है कि वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से हैं या प्राइवेट स्कूल से हैं, क्योंकि दोनों स्कूल्स की नेचर में इतना डिफरेंस है कि उनकी इनपुट जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल के हैं उनका कॉग्निटिव लेवल प्राइवेट स्कूल के बच्चों से लो होता है, क्योंकि वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से बहुत लोअर से आते हैं, उनके पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं होते, उनके पास लर्निंग रिसोर्स भी एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल बहुत कम होते हैं। तो टॉपिक सिलेक्ट करने से पहले आप टीचर एजुकेटर से ये पूछोगे कि जो बच्चे जिनको उन्होंने टीच करना है वो गवर्नमेंट स्कूल के हैं प्राइवेट स्कूल के हैं, दूसरा कि उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, हिंदी है, पंजाबी है, इंग्लिश है, तीसरा कौन सी क्लास के बच्चे, 6th, 7th, 8th, कोई भी जो क्लास सिलेक्ट की जाती है, सभी क्लासेस इस एग्जाम में नहीं बुलाई जाती, नॉर्मली 2 क्लासेस का ग्रुप होता है, 7th और 8th, 8th और 9th। ये आपको क्लैरिटी चाहिए कि आपके सामने कौन से बच्चे बैठे होंगे। और लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट के उन स्टूडेंट्स की पीके प्रीवियस नॉलेज कैसी होगी, क्योंकि टीचिंग का सबसे पहला प्रिंसिपल है कि प्रीवियस नॉलेज के साथ टीचर नई नॉलेज को लिंक कर सके, जोड़ सके, एसोसिएट कर सके। अगर आपको बच्चे की लगभग प्रीवियस नॉलेज लेवल नहीं पता तो आप अकॉर्डिंगली लेसन प्लान कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे हैं तो आप अपनी नॉलेज लेवल एग्जाम्पल लर्निंग गैप्स को सामने रखोगे और थोड़ी लोअर लेवल की नॉलेज जो है इजी नॉलेज प्रेजेंट करोगे। अगर प्राइवेट के हैं उनका हाई लेवल नॉलेज है, हाँ उल्टा भी हो सकता है, कहीं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, आपने अपने पर्टिकुलर बच्चे जो आपके टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने बुलाने हैं उन पर फोकस करना है। अगर वो बच्चे इंटेलेक्चुअली रिच हैं तो आप अपने एग्जांपल्स, अपना कंटेंट जो है थोड़ा सा हाई लेवल का सिलेक्ट करोगे। स्टेप 2 है सिलेक्ट द क्लास। अब ये नॉलेज सामने रखते हुए कि आपके पास कैसे बच्चे आ रहे हैं, आप अपनी क्लास सिलेक्ट करोगे, क्या आपने 6th को टीच करना है, 7th को, 8th को, कोई भी क्लास आपने टीच करनी। जो बीएड वाले स्टूडेंट टीचर होते हैं वो जनरली 6th-10th क्लास के बीच में सिलेक्ट करते हैं। अगर उनके पास मास्टर डिग्री है तो वो 10+1 और 2 का लेसन भी सिलेक्ट, ये क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली टीचिंग ऑफ कॉमर्स, टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स वाले 10+1 और 2 का लेसन ही सिलेक्ट करते हैं। और जो डीएलएड वाले हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने इन क्लासेस को टीच करने के लिए टीचर बनना है, तो वो 1st से 8th तक की क्लास को सिलेक्ट करेंगे। वो सिलेक्ट करने से पहले आप अपनी एबिलिटीज को देखोगे, अपने इंटरेस्ट को देखोगे और अपना कंफर्ट जोन देखोगे कि आप किन बच्चों में ज्यादा कंफर्ट फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो सीनियर क्लास में भी कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कई स्टूडेंट्स होते हैं जो सीनियर क्लास को देख के थोड़ा एंग्जाइटी लेवल, उनका चिंता बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो वो अपनी क्लास अकॉर्डिंग टू अपने कॉन्फिडेंस लेवल ही सिलेक्ट करें। अगर ऐसा है तो वो 6th, 7th, 8th ये क्लास का सिलेक्ट कर सकते हैं लेसन प्लान के लिए। नाउ आपने थर्ड स्टेप क्या है कि जो क्लास सिलेक्ट कर ली है उस क्लास की टेक्स्ट बुक्स को कलेक्ट करना है। कई स्कूल्स में एक जो CBSE या NCERT की टेक्स्ट बुक है उसके एडिशनल भी कोई बुक्स लगवाई होती हैं, तो आपने वो सारी क्लास की टेक्स्ट बुक्स कलेक्ट करनी है।
फोर्थ स्टेप है चूज द लेसन और टॉपिक्स। आप जो टेक्स्ट बुक कलेक्ट की हैं उनके इंडेक्स को रीड करोगे, कंटेंट को रीड करोगे और उनमें से दो या तीन लेसन या टॉपिक जो आपको सबसे अच्छे इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिसमें आप समझते हो कि आपकी नॉलेज सबसे ज्यादा है, उन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल मैंने सेवंथ क्लास सिलेक्ट की, सोशल साइंस की क्लास है, तो ये कंटेंट है। इसमें से आप देखोगे आपके पास ऑप्शन है कि आपने पास्ट हिस्ट्री सिलेक्ट करनी है, और एनवायरमेंट ज्योग्राफी सिलेक्ट करनी है, पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट करनी है। ये आपके इंटरेस्ट और एबिलिटी और नॉलेज पर निर्भर करता है। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो तो आपने मैगजीन का ख्याल रखना है। थ्योरी पेपर में आप अक्सर पढ़ते हो, मैंने आपके सामने तीन मैगजीन्स रखी हैं जहाँ प्रिंसिपल्स रखे हैं। फर्स्ट इज नोन टू नोन, इसका मतलब है कि बच्चे जो ऑलरेडी जानते हैं वो आप टॉपिक सिलेक्ट करके ले गए और उस पर पढ़ाना चाहते हो जो उनको पहले से ही नॉलेज है। दूसरा है अननोन टू अननोन, के आपने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, बच्चों को उसका ज्ञान नहीं था, आपने टीच किया, आपके टीच करने के बाद भी उनको ज्ञान नहीं है, ये हो गया अननोन टू नोन। तीसरी अप्रोच है नोन टू अननोन, के बच्चों को प्रीवियस नॉलेज जो थी उसके बेस पर आपने कोई नया चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन वाला टॉपिक सिलेक्ट किया, जहां प्रीवियस किसी टॉपिक में एनरिच्ड नॉलेज, न्यू नॉलेज डाल दी और बच्चों को आप लेके गए अननोन की तरफ। मतलब कि आपने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, टीच किया, उसके बाद बच्चों को जो ज्ञान नहीं था वो ज्ञान उनको मिल गया। अब इन तीनों में से बेस्ट अप्रोच, असल में एक ही अप्रोच है जो हर हालत में जरूरी है, जो इफेक्टिव टीचिंग का सेकंड बेस है। दो बेस बताए अभी मैंने, प्रीवियस नॉलेज से लिंक करना, ये भी उससे ही रिलेटेड है कि नोन टू अननोन। अगर आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज जोड़ते हो तो ही टीचिंग इफेक्टिव होगी। अगर आप कोई न्यू नॉलेज लेके नहीं क्लासरूम में जा रहे तो आपकी टीचिंग कभी भी इफेक्टिव नहीं हो। सो इस सब स्टेप का मीनिंग है कि आप ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करो जिसमें आप बच्चों को कुछ नया दे सको। अच्छा, अगर बच्चों ने वो पहले टॉपिक पहले से पढ़ा हुआ है तो आपको मोर नॉलेज चैलेंजिंग और उनमें नई नई एग्जांपल्स, हायर लेवल के प्रिंसिपल्स ला उनको सिलेक्ट करके टीच करना होगा। अदरवाइज फर्स्ट प्रिंसिपल में बच्चे पूरी तरह से बोर होंगे, आपको अटेंड नहीं करेंगे और अननोन टू अननोन में भी आपका ऐसा ही हाल होगा। अच्छा, हम फोर्थ स्टेप कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसमें मैंने बेसिक प्रिंसिपल बताया है, वो बता रहा हूं कि क्या क्या आपने नहीं करना। नंबर एक, आपने कोई भी बहुत इजी या बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं चूज करना। आपने हाईली एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक नहीं चूज करना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जिसमें सिर्फ आइडियाज है, जिन आइडियाज को आप कंक्रीट नहीं कर सकते। अगर कंक्रीट कर सकते हो तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी आप ले सकते हो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में ऑडियो विजुअल एड बनाना डिफिकल्ट हो जाता है। आपने कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं चूज करना जो उनकी टेक्स्ट बुक या सिलेबस से बाहर हो। फोर्थ, आपने कोई भी बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक या बहुत शॉर्ट टॉपिक सिलेक्ट नहीं करना। हाँ, अगर लेंथी टॉपिक है तो आप उसके पार्ट बना सकते हो। कोई भी आपने ऑडियो विजुअल एड मॉडल या चार्ट बनाना है तो वो मार्केट से कभी नहीं बनवाना, एग्जामिनर को साफ पता चल जाता है कि ये मार्केट से बना हुआ है। कोई भी टॉपिक ऐसा रिपीट नहीं करना जो आपने फर्स्ट या सेकेंड इंटरनल स्किल इन टीचिंग में ऑलरेडी टीच कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट इंटरनल स्किल इन टीचिंग में फंडामेंटल राइट्स टॉपिक लिया था, इट मींस आप वो ना तो सेकंड इंटरनल में ले सकते हैं ना ही आप फाइनल एग्जाम में वो ले सकते। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी भी अपने टीचर एजुकेटर, आपके सब्जेक्ट के जो इंचार्ज हैं, उनकी विशेस के अगेंस्ट मत जाओ। वो जैसे गाइड करते हैं उनको फॉलो करो, क्योंकि अल्टीमेटली मार्क्स उन्होंने लगवाने हैं। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है वो उनके पास ही बैठता है और उनकी राय से ही आपके फाइनल मार्क्स लगते हैं। अच्छा, क्या क्या आपने करना है? ऐसा टॉपिक प्रेफर कीजिए जिस टॉपिक के आइडियाज को आप कंक्रीट रूप दे सको। मतलब के उस पर कोई इमेज, कोई पिक्चर, कोई चार्ट, कोई मॉडल, पीपीटी आदि, ओरिजिनल आर्टिकल, ऐसा कुछ तैयार कर सको।
सेकंड पॉइंट जो पहले से रिपीटेड ही है कि न्यू नॉलेज इन एडिशन टू टेक्स्ट बुक में जो नॉलेज दी गई है उसमें आप कुछ ऐड कर सको, ऐसा टॉपिक आपको सिलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, अपने एस्पिरेशन लेवल के अकॉर्डिंग ही टॉपिक लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, आप मेरिट लिस्ट में हो, तो आप टॉपिक पर बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। अगर आप कहते हो कि मैंने अच्छे मार्क्स की जरूरत है, मैंने पास होना है, तो आप अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करोगे। टाइम मनी एनर्जी का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए कि आप जो टॉपिक ले रहे हो उसको तैयार करने में मुझे कितना टाइम, कितने पैसे लगेंगे ऑडियो विजुअल एड में, और मुझे मेंटल एनर्जी कितनी कंज्यूम करनी। लास्ट है, कोशिश करनी चाहिए ऐसा टॉपिक सिलेक्ट कर लें जिसमें आप ओरिजिनल आर्टिकल्स यूज कर सको एज ऑडियो विजुअल एड। अच्छा, इन बातों का ध्यान रखते हुए आपने 2 या 3 या 4 टॉपिक सिलेक्ट कर लिए हैं। अब फिफ्थ स्टेप क्या है कि उन टॉपिक्स को रैंक दो कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस पर इनमें टॉपिक में से कौन सा रखते हो, सेकंड में कौन सा, थर्ड में कौन सा। प्रेफरेंस बनाते हुए आप अपने इंटरेस्ट को नहीं भूलोगे, अपनी नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक नहीं भूलोगे, और अपना एक्सपीरियंस। कई बार होता है कि उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गोल्डन टेम्पल का टॉपिक ले रहे हो और गोल्डन टेम्पल आप विजिट किया हुआ है ना, कोई हिस्टोरिकल और प्लेस है, आपने विजिट किया, आपका एक्सपीरियंस है, ऐसे टॉपिक को प्रेफर करना चाहिए। अब आपका जो फर्स्ट रैंक पर टॉपिक है उसके लेसन को आप देखते हो, और सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि उसको स्टडी करना, उसको रीड करना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्लास 7th सिलेक्ट की है और सोशल साइंस का टॉपिक है, मेरे पास 3 ऑप्शन है, पास्ट हिस्ट्री मतलब एनवायरमेंट, एंड थर्ड इज पॉलिटिकल लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो इनमें से मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है अवर एनवायरमेंट, उसमें से फर्स्ट टॉपिक जो मैंने सिलेक्ट किया है एयर का है। एयर का मैं टॉपिक रीड कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर, नाइट्रोजन 78%, इसको अंडरलाइन मैंने किया है, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, ऑक्सीजन 21%, ये इंपॉर्टेंट लगा, और रिमेनिंग गैसेज हैं 1%। मेरे दिमाग में क्या आया है कि मैं इसका पाई चार्ट सोच सकता हूँ। नेक्स्ट मैंने रीड किया, जैसे अंडरलाइन किया हुआ है, ओजोन गैस, स्टेटोस्फियर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, डिप्लीशन ऑफ ओजोन। मुझे ये लगता है कि इन कंसेप्ट्स को मैं कोई ना कोई कंक्रीट रूप दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, इनकी कोई इमेज नेट से निकाल सकता हूँ, कोई चार्ट बना सकता हूँ, तो मैंने इनकी लिस्ट तैयार कर ली है। अच्छा, मैंने ये डिसाइड करना है कि अगर ये लेंथी हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से टीच करना चाहता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर, इसको बीच में जो 1, 2, 3, 4, 5 इसके आस्पेक्ट जो हैं उनको टीच करना चाहता हूँ, तो मैं अपने लेसन प्लान में यहाँ तक इसको डीलिमिट कर रहा हूँ। यहाँ तक रीड करके मैं सारे मेन आइडियाज को अंडरलाइन करूँगा, अंडरलाइन करने के बाद उनकी लिस्ट तैयार करूँगा, जो लिस्ट मेरी हेल्प करेगी कि मैंने कौन सा टीचिंग लर्निंग मटीरियल प्रिपेयर करना है। इसके अलावा अच्छी जो बुक्स, टेक्स्ट बुक्स हैं, उनमें कुछ इमेजेस दी हुई होती हैं, आप उनको और अच्छे ढंग से इम्प्रूव कर सकते हो नेट से इंफॉर्मेशन लेके, एडिशनल बुक्स रीड करके, टीचर से कंसल्ट करके उस डायग्राम को इम्प्रूव करने का सोच सकते हो। तो इस तरह से आप रीड करते हुए क्या कर रहे हो कि इम्पोर्टेंट की आइडियाज, 7th पॉइंट है ये, उनको अंडरलाइन कर रहे हो, उनमें से एग्जाम्पल को चूज कर रहे हो, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ढूंढ रहे हो, अगर कोई साइंस का या इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको समझ रहे हो, मेन आइडियाज को आप कैप्चर कर रहे हो, क्योंकि इन आइडियाज पर ही आपने ऑडियो विजुअल मटेरियल प्रिपेयर करना। 8th पॉइंट क्या है कि आपने जो अंडरलाइनिंग की है उनके बेस पर एक लिस्ट तैयार करते हो जिनकी आपने ऑडियो विजुअल एड या रिसोर्सेज या मटेरियल प्रिपेयर करना है। ये लिस्ट आपकी वो होगी जो आपकी हेल्प करेगी कि कौन सा मटेरियल आपने कहां से अरेंज करना है, घर से अरेंज करना है, किसी फ्रेंड से अरेंज करना है, कारपेंटर से बनवाना है, मार्केट में से टॉय मिल
मिल जाते हैं या रेलिवेंट मटेरियल जो मिल जाता है वो कहाँ से अरेंज करना। नाइन्थ पॉइंट है कि TEM को एस्टिमेट करना। जब आप टॉपिक को फाइनल कर रहे हो, TEM का मतलब है टाइम मनी एनर्जी रिगार्डिंग ऑडियो विजुअल एड और लेसन प्लान के लिए आपका टाइम मनी एनर्जी कितना लगेगा, वो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपका पास जितना टाइम है अपनी मेंटल एनर्जी के मुताबिक अपने रिसोर्सेज के मनी के मुताबिक टॉपिक को फाइनल करेगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी टॉपिक आपका इंटरेस्ट सब कुछ फाइनल हो गया लेकिन उस पर ऑडियो विजुअल एड बहुत एक्सपेंसिव बन रही है, वो आपकी रेंज से परे आप नहीं करना चाहते, तो नेचुरली वो टॉपिक आपका रिजेक्शन की तरफ सेकंड प्रेफरेंस में चला जाएगा। 10th पॉइंट है कंसल्ट योर टीचर एजुकेटर। आप फर्स्ट स्टेप पर भी टीचर एजुकेटर से मिल सकते हैं। कई बार वो अच्छे टॉपिक आपको लिस्ट दे देता है, अच्छे टॉपिक सुजेस्ट कर देता है, लेकिन आपने फिर भी ये मेहनत जो करनी है जो पीछे पॉइंट डिस्कस करके आए हैं, अगर आप नहीं मिल पाते तो आपने पिछली जो मेहनत की है, लिस्ट तैयार कर ली है, लेसन पढ़ लिया है, वो सारा कुछ लेके जाके अपने टीचर एजुकेटर को बताना है कि उसके ये आइडियाज है, मैं ये ऐसे टीच करूंगा। अगर हो सकता है तो छोटा सा डेमो भी उनको दे के आप बता सकते हो कि ये मेरे लिए मोस्ट सुटेबल टॉपिक है, उनकी एग्रीमेंट आपने लेनी है, जहां वो कुछ चेंजेस बताते हैं वो करनी है। अगर डिसएग्रीमेंट है तो आपको टॉपिक रिजेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत करके जाते हो, आपके पास स्ट्रांग आइडियाज है, तो कभी भी अच्छा टीचर एजुकेटर रिजेक्ट नहीं करता। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप शुरू में भी टीचर एजुकेटर से बात कर सकते। अगर टीचर एजुकेटर वो टॉपिक आपका सेलेक्ट अप्रूव कर लेता है तो आप लास्ट पॉइंट है कि उस टॉपिक पर अपनी नॉलेज को एनरिच करोगे। वो आप एडिशनल सोर्सेज टेक्स्ट बुक भी पढ़ सकते हो, इंटरनेट पर जा सकते हो, लाइब्रेरी में जा सकते हो, किसी और टीचर से बात कर सकते हो, अपने साथी से डिस्कस कर सकते हो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको हर हालत में क्लासरूम में कुछ नया लेके जाना है, पुराने को नहीं लेके जाना। आपने नोन टू अननोन प्रिंसिपल को फॉलो करना है, मैक्सिम को फॉलो करना है, तो इसलिए आप अपनी नॉलेज को रिच करके, दूसरा ये क्या करेगा कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बड़ा इंक्रीज कर देगा, तो आपकी टीचिंग जो है इफेक्टिव होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग लेसन प्लान या टीचिंग के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में आप डिमांड कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।